तो दोस्तों फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मेलोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया फॉल्ट, जो हमारा आज सैमसंग का अल्ट्रा स्लिम का 21 इंच का टीवी है, जिसका प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, वर्टिकल लाइन होके आ रहा है। चैनल का जो नंबर होता है वो नंबर भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद हमारा स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। मतलब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होता है हो रहा है, ये ज़्यादातर हमारा वर्टिकल सेक्शन से होता है। आप लोगों को दिखा दूँ कैसे प्रॉब्लम आया है, क्या क्या प्रॉब्लम आया है, चलो चेक करते हैं। पहले तो दोस्तों आप लोगों को पता चलना चाहिए हमारा कहाँ कितना वोल्टेज होता है, कहाँ क्या वोल्टेज कितना में कौन सा पार्ट हमारा कितना में काम करता है, आप लोगों को पता चलना चाहिए। और दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम आया है वो टीवी का, ज़्यादातर हमारा ये वर्टिकल सेक्शन से होता है। मतलब दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन पे कोई प्रॉब्लम है, फिर वोल्टेज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और हमारा कोई भी पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब दोस्तों ये जो हमारा प्रॉब्लम आया है वर्टिकल लाइन, दोस्तों ज़्यादातर हमारा टीवी पे लाइन वर्टिकल लाइन होने के बाद भी हमारा टीवी ऑन रहता है, लेकिन दोस्तों ये सैमसंग टीवी है इसीलिए दोस्तों ये वर्टिकल लाइन सही तरीके से काम वर्टिकल सेक्शन सही तरीके से काम नहीं करने से हमारा स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। मतलब दोस्तों आप लोग को वोल्टेज दे के चेक करवा देता हूँ हमारा कहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए। दोस्तों पहले तो हमारा जो हमारा मेन वोल्टेज होता है यहाँ पे हमारा 120 वोल्ट होता है, वो हमारा यहाँ पे सही है। मतलब हमारा जो आउटपुट जो हमारा मेन वोल्टेज होता है चॉपर पावर से, वो हमारा सही है। और एक वोल्टेज आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा जो हमारा 12 वोल्ट का जो वोल्टेज होता है वो हमारा भी सही है, 12 वोल्ट है। और हमारा और एक वोल्टेज होता है यहाँ पे जो हमारा 30 जो हमारा सिस्टम को रेगुलेटिंग के काम आता है 5 वोल्ट 6 वोल्ट जो होता है, हमारा 6.5 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है। मतलब दोस्तों हमारा 14 वोल्ट भी सही है, और हमारा 5.5 भी सही है, और हमारा 110 जो हमारा वोल्ट होता है 120 वोल्ट वो भी हमारा सही है। यहाँ पे ESD पे भी सप्लाई जा रहा है, इसीलिए हमारा टीवी भी ऑन हो रहा है। लेकिन दोस्तों ESD ऑन होने के बाद हमारा जो वोल्टेज होता है हमारा जो हमारा वोल्टेज होता है वर्टिकल सेक्शन पे, वो वोल्टेज आप लोगों को देखा दो, यहाँ पे हमारा 14 वोल्ट होना चाहिए, जो हमारा 16 वोल्ट होना चाहिए, जो हमारा ESD से निकल के हमारा वर्टिकल सप्लाई को ट्रांसफ़र करता है। ये +16 वोल्ट और -16 वोल्ट हमारा लाइन होके यहाँ पे वर्टिकल आईसी पे आता है, और वर्टिकल आईसी आने के बाद यहाँ पे दोनों पिन पे हमारा 16 वोल्ट होना चाहिए, और हमारा 16 वोल्ट है, और हमारा -16 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे भी हमारा -16 वोल्ट है। मतलब दोस्तों हमारा टीवी पे जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज हमारा सही है, वर्टिकल आईसी पे भी आईसी पे वोल्टेज सही है, लेकिन दोस्तों हमारा टीवी नहीं ऑन हो रहा है। आप लोगों को देखा दो हमारा जो वर्टिकल आईसी है वो प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं शायद हमारा जो वर्टिकल आईसी, ये हमारा वर्टिकल आईसी का नंबर LA78045 का वर्टिकल आईसी है, लेकिन दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल आईसी है यहाँ पे टूट गया है, मतलब ये बास्ट हो गया है आईसी। मतलब ये वाला आईसी शॉर्टेज होने से हमारा वर्टिकल सेक्शन नहीं सही तरीके से नहीं काम कर रहा है, इसीलिए हमारा टीवी स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। मतलब दोस्तों ये आईसी को निकाल के हमारा नया वाला आईसी लगा के हम लोगों को पिक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलो चेक करते ये भाई वाला आईसी को चेंज करके नया वाला आईसी लगा के पिक्चर देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पुराना वाला जो हमारा वर्टिकल आईसी है ये हमारा टूट के पास्ट हो गया है, इसीलिए हमारा वर्टिकल सेक्शन नहीं काम कर रहा है। इसका नंबर आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, LA78045 का। दोस्तों मैंने ये वाला नया वाला आईसी लगाऊंगा, इसका भी नंबर सेम ही है LA78045 का, इसको लगा के हम लोग पिक्चर देखेंगे। दोस्तों मैंने पुराना वाला आईसी को निकाल के नया वाला आईसी लगा लिया हूँ,
आप लोग देख सकते हैं ये नया वाला आईसी, वर्टिकल आईसी जो हमारा ख़राब हो चुका था, ये वाला आईसी ख़राब हो चुका था, इसीलिए मैंने नया वाला आईसी लगा लिया हूँ। और लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ पिक्चर कैसे आता है, हमारा पिक्चर सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो चेक करते हैं। दोस्तों मैंने टीवी को आगे से कर लिया हूँ पिक्चर देखने के लिए, और मैं ये लाइन देता हूँ। लाइन देने के बाद हमारा जो इंडिकेटर जलना चाहिए वो हमारा जल रहा है। थोड़ी देर के बाद हमारा पिक्चर आ जाएगा। सैमसंग टीवी पे पिक्चर आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और हमारा ये देखिए दोस्तों, हमारा पिक्चर ओके हो गया है। मतलब दोस्तों जो हमारा आज का फॉल्ट था वर्टिकल सेक्शन से, जो हमारा वर्टिकल लाइन हो गया था, और हमारा पिक्चर थोड़ी देर के बाद वो वर्टिकल लाइन भी हमारा स्टैंड बाई मोड में चला जाता था, टीवी का पिक्चर बंद हो जाता था। वो आप लोग देख सकते हैं हमारा पिक्चर अभी बंद नहीं हो रहा है। मतलब दोस्तों वर्टिकल आईसी टूट जाने से, वो ख़राब हो जाने से, हमारा टीवी को स्टैंड बाई मोड में से स्टैंड बाई सेक्शन से एक फ्लिप आता है, वो हमारा फ्लिप आने के बाद वो टीवी को ऑफ कर देता है। मतलब दोस्तों हमारा कोई भी सेक्शन पे कोई प्रॉब्लम होगा तो सैमसंग से जो हमारा प्रोटेक्शन मोड है वो हमारा काम करता है, वो स्टैंड बाई मोड में चल ले जाता है। ठीक है, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा देना, नया नया नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।